जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बाके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। आज मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ महर्षि च्यवन की और राजा नहुष, जो हमें गाय के महत्व के बारे में बताती है कि गाय की महिमा के आगे तो देवता भी नतमस्तक होते हैं। एक बार की बात है, महर्षि च्यवन थे, उनके मन में विचार आया कि मैं अब जल में रहकर ही तपस्या करूँगा। उन्होंने इस कठोर व्रत का पालन करने के लिए नदी में चले गए हैं और 12 वर्षों तक कठोर तप करते रहे जल में रहकर। इस वजह से जल में रहने वाले सभी जीव, मछली, कछुए, मगरमच्छ, जितने भी जीव थे वो सब उनके मित्र बन गए हैं। उन्होंने महर्षि ने अपना क्रोध, काम, अभिमान सब त्याग दिया है, बस भगवान के नाम में तल्लीन रहने लगे हैं। महात्मा के स्वभाव से सभी लोग, सभी जीव जंतु सब प्रभावित हो गए थे। जलचर को कभी उनसे कोई भय नहीं लगता था। एक बार महर्षि च्यवन अत्यंत श्रद्धा भाव से गंगा जमुना के संगम में जल के भीतर प्रविष्ट हुए हैं। कभी जल समाधि लगा लेते, कभी जल के ऊपर बैठ जाते। इस प्रकार व्रत अनुसार करते हुए बहुत समय बीत चुके। एक दिन कुछ मल्लाह मछलियों को पकड़ने की इच्छा से हाथ में जाल लेकर नदी में फेंक देते हैं। और वो जाल किधर फेंकते हैं? जहाँ पर महर्षि च्यवन तपस्या में लीन थे, तल्लीन थे। संयोग से जाल में मछलियों के साथ महर्षि च्यवन भी फंस जाते हैं। जब मल्ला जाल खींचते हैं तो उनको लगता है आज तो मछलियाँ बहुत आई हैं कि जाल खींच ही नहीं रहा। बहुत सारे लोग मिलकर जब जाल को बाहर निकालते हैं तो उसमें महर्षि च्यवन भी निकल कर बाहर आ जाते हैं। अब तो उनको देखकर, महर्षि च्यवन को तपस्या में लीन देखकर और ये देखकर कि हमने उन्हें जाल में फंसा लिया है, उन लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। बहुत दुखी होते हैं, सब रोने लगते हैं, उनकी शरण में आकर उनके चरणों में गिरने लगते हैं। पानी से जब बाहर निकलते हैं तो मछलियाँ तड़पने लगती हैं। महर्षि च्यवन जब मछलियों को तड़पते हुए देखते हैं, उनका हाल देखकर महर्षि च्यवन का हृदय द्रवित होने लगता है। उन्होंने मल्लाह से कहा, देखो ये मछलियाँ जीवित रहेंगी तभी मैं जीवित रहूँगा, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। मैं अब जलचरों का ऐसे प्राण जाते हुए नहीं देख सकता, इनको तुम जीवित करो नहीं तो मैं मर जाऊँगा। इस मुनि की ऐसी बातें सुनकर मल्लाह डर गए और कांपते हुए जाकर सारा समाचार महाराज नहुष को कह सुनाया। महाराज नहुष से कहा कि ऐसे ऐसे मुनि च्यवन तपस्या कर रहे थे, हमने गलती से उनको अपने जाल में फंसा लिया है और अब वो कह रहे हैं कि मैं प्राण त्याग दूंगा क्योंकि मछलियाँ तड़प रही हैं, वो भी मरने वाली हैं, आप कृपा करके महाराज उनको बचा लीजिए, कुछ भी कीजिए। मुनि की ऐसी स्थिति सुनकर राजा नहुष शीघ्र ही उस स्थान पर पहुँचे हैं, गंगा जमुना के संगम पर पहुँचे हैं जहाँ महर्षि तपस्या कर रहे थे। उस किनारे पर निकाला था उनको मल्लाओं ने। वहाँ पहुँचकर हाथ जोड़कर पवित्र भाव से खड़े हो गए हैं और महर्षि से बोले, हम क्षमा चाहते हैं, वो स्थिति को दोबारा से ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन आप हमें जो सजा देना चाहे वो दे सकते हैं, आपकी शरण में हैं हम सभी, आप जो कहेंगे हम वो पूरा करने के लिए तत्पर हैं, आज्ञा दीजिए मैं आपके लिए कौन सा प्रिय कार्य करूं। महर्षि च्यवन ने कहा, राजन इन मल्लाहों ने आज बड़ा भारी परिश्रम किया है, अतः आप इनको मेरा और मछलियों का मूल्य चुका दो, आप मेरा और मछलियों का मूल्य चुका दो। उन्होंने बस इतना कहा, कोई सजा नहीं दी। राजन नहुष ने सुनते ही मल्लाहों को 1000 स्वर्ण मुद्रा देने के लिए पुरोहित को कह दिया कि पुरोहित जी आप मल्लाह को जो उन्होंने निकाला था महर्षि को, उनको 1000 स्वर्ण मुद्राएं तुरंत दे दीजिए। इस पर च्यवन बोले, 1000 स्वर्ण मुद्रा? महाराज तुमको मेरा मूल्य इतना ही लगता है? इस पर राजा सोचने लगे। उन्होंने फिर 1000 से धीरे धीरे करके 1 लाख, फिर 10 लाख स्वर्ण मुद्रा, फिर आधा राज्य, फिर पूरा राज्य सब बोली लगा दिया, लेकिन महर्षि च्यवन संतुष्ट नहीं हुए। वो बोले, मेरे जीवन का मूल्य ये नहीं है, मैं इससे तृप्त नहीं होने वाला, मैं अपने प्राण त्याग ही दूंगा, तब तुम पर जलचरों के सिवा अलावा एक महर्षि के प्राण जाने का भी पाप लगेगा। अब तो राजा नहुष बहुत परेशान हो गए कि क्या करें, कैसे करें, बहुत दुखी हो जा रहे हैं, अपने मंत्रियों से, पुरोहितों से सबसे सलाह कर रहे हैं कि क्या किया जाए।
उसी समय फल फूल का सेवन करने वाले एक बनवासी मुनि राजा नहुष के पास आते हैं और राजा से कहने लगे, राजन आप दुखी मत हो, मैं महर्षि को संतुष्ट कर दूंगा, आप उनका उचित मूल्य भी दोगे। आप दुखी मत हो, मैं आपको उचित उपाय बताता हूँ, आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। मैंने कभी हंसी मजाक में भी कोई झूठ नहीं बोला है, मैं प्रयास नहीं कर रहा हूँ, हमेशा सत्य बोलता हूँ, अतः आप मेरी बात पर शंका मत कीजिए। राजा बोले, अच्छा ऐसा कौन सा उपाय है? राजा नहुष ने कहा, प्रभु मैं बड़े संकट में हूँ, मेरे कारण महर्षि के और जलचरों के प्राण जाने हैं, यदि कोई उपाय है तो शीघ्र बताओ, आपका बड़ी कृपा होगी। इस पर वो बोले कि ब्राह्मण और गौएं एक ही कुल के होते हैं, ब्राह्मण मंत्र रूप हैं तो गौएं हविष्य रूप, ब्राह्मण मंत्र रूप हैं तो गाय हविष्य रूप हैं, और ब्राह्मण और गायों का मूल्य कोई नहीं लगाया जा सकता, कोई नहीं लगा सकता एक ब्राह्मण का और एक गाय का मूल्य, अतः आप इनकी कीमत में एक गाय दे दीजिए। अनर्घ्य महाराज द्विजा वर्षेण उच्चता महा गावश्य पुरुष व्याग्रह गौ मूल्य पर कल्पता। महाराज एक गाय ही उनके जीवन का मूल्य हो सकती है और कुछ भी नहीं। मुनि की बात सुनकर राजा अति प्रसन्न हुए, वह शीघ्र उस स्थान पर गए और महर्षि से कहा कि महर्षि मैं आपके जीवन के लिए, आपके साथ जो हुआ उसके लिए मैं एक गाय आपको देने के लिए तैयार हूँ, मल्लाहों को एक गाय आपके मूल्य में देने के लिए तत्पर हूँ, अब आप उठने की कृपा करें, मैंने यही आपका उचित मूल्य समझा है। राजा की बात सुनकर महर्षि बोले, आपने उचित मूल्य देकर मुझे खरीदा है, निश्चय ही दूसरे इस संसार में कोई भी गाय के समान धन नहीं है, गाय के समान कुछ भी नहीं है, देवता भी नतमस्तक रहते हैं, गाय के नाम और गुणों का कीर्तन, कथा का श्रवण करना, सेवा करना, दान करना, उनकी प्रशंसा करना, जो करता है वो सीधे गौलोक धाम जाता है, यह सब कार्य संपूर्ण कार्य को करके कल्याण की प्राप्ति करता है। गौ लक्ष्मी प्रदान करती हैं और पाप का नाश करती हैं, गौ ही मनुष्य को सर्वदा अन्न और देवता को हविष्य देने वाली हैं, गौ ही यज्ञ का संचालन करने वाले तथा उसकी मुख्य कारक हैं। तत्पश्चात मल्लाहों ने मुनि से उनकी दी हुई गायों को स्वीकार किया है और प्रार्थना सुनकर मुनि ने उनकी गाय लेकर मल्लाहों को उनके पाप से भी मुक्त किया है कि आपने जो पाप आपसे हुआ वो मैं आपको अपने उस पाप से मुक्त करता हूँ अनजाने, और सारी मछलियों को सारे जलचरों को दोबारा पानी में डालकर उनको जीवन दान दिया है। इस तरीके से महर्षि च्यवन ने और राजा नहुष ने हमें गायों का महिमा बताई है, गाय की महिमा से अवगत कराया है। कैसी लगी आपको ये कथा, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इससे मैं भी मोटिवेट होती हूँ आगे वीडियो बनाने के लिए कि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, कमी भी लग रही है तो आप कंटेंट में कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइए और मेरे चैनल पर बने रहिएगा, मैं ऐसे ही बहुत सुंदर सुंदर कथा कहानियाँ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। और जाते जाते चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा ये कार्य और लोगों तक भी पहुंच सके, जन जागृति मैं उस सब के आगे बढ़ा सकूं अपना इस प्रयास को। अभी के लिए विदा लेती हूँ, राधे राधे।